देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण लोगों का बुरा हाल है। चारों तरफ कोहरे की तरह नजर आने वाला स्मॉग छाया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साथ ही आंखों में जलन जैसी समस्याएं भी उभर रही हैं। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग के मुताबिक लगातार दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। हालांकि AQI मामूली गिरावट के साथ शनिवार को 504 के मुकाबले 410 दर्ज किया गया था, तो वहीं लोधी रोड इलाके में वायु गुणवत्ता 385 यानी बहुत खराब दर्ज की गई है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में अभी भी हालात गंभीर हैं और AQI 456 यानी बहुत गंभीर स्थिति में नजर आ रहा है। तो वहीं ड्रोन कैमरों की फुटेज में हवा में धुंध की एक मोटी परत भी दिखाई दे रही है और फिलहाल हर रोज AQI रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी करता नजर आ रहा है। तो वहीं इन हालातों के बारे में अपनी राय रखते हुए पर्यावरणविद विमलेंदु झा ने बताया कि स्थिति और भी खराब होने वाली है। पिछले 24 घंटों में हवा की गति के कारण थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अगले 4 से 5 दिनों में स्थिति और भी गंभीर होने वाली है। आगे क्या कहा पर्यावरणविद विमलेंदु झा ने, आप भी सुनिए। देखिए, जिस तरह की स्थिति है, स्थिति और गंभीर होने वाली है। हवा के कारण स्थिति में थोड़ा सा सुधार जो है पिछले 24 घंटे में हुआ है, लेकिन अगले 4-5 दिनों में जो 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 प्रिडिक्शंस हैं, जो वेदर कंडीशंस हैं, साथ ही साथ फार्म फायर्स का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ने वाला है, तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर होने वाला है। बहुत आवश्यक है कि सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो और राज्य सरकारें हों, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और खासकर दिल्ली की सरकार जो है, इन सबों को एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा। सिर्फ पानी के छिड़काव करने से सोल्यूशन इसका नहीं होने वाला है। एक वॉर फुटिंग पे मेजर्स जो हैं, जितने भी फार्म फायर्स हो रहे हैं पंजाब में, उसको डाउस करने के लिए एक इमीडिएट स्टेप जो है सरकार को लेना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो साथ में शायद आर्मी की सहायता ली जाए या किसी की भी सहायता ली जाए, क्योंकि जिस तरह का एयर क्वालिटी क्राइसिस पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में और खासकर दिल्ली NCR में है, वो एक बहुत ही भयावह है। बता दें, दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण से टूरिज्म भी काफी हद तक प्रभावित होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आम जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही टूरिस्ट अब प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली के जगह दूसरे इलाकों का रुख कर रहे हैं। बस थोड़ा सा ये है, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा था, वहाँ दिक्कतें होती थी, सांस लेने में भी दिक्कत है, तो हम सोच रहे थोड़ा सा चेंज किया जाए, थोड़ा सा ऐसी जगह जाया जाए थोड़ा सा पोल्यूशन से बचने के लिए, थोड़ा टाइम पहाड़ी एरिया में जाया जाए, तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने आए हैं। दिल्ली की तो मौसम की हालत तो बहुत ख़राब हो रखी है, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, अच्छी एयर क्वालिटी एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे नैनीताल में आए, और यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा वेदर है, और यहाँ पे फ्री एनवायरनमेंट है, तो अच्छा लग रहा है, यहाँ पे दिल्ली से बहुत बेटर लग रहा है यहाँ पे। गौरतलब है कि ऐसे हालातों से निपटने के लिए सरकार ने GRAP 3 को भी लागू कर रखा है, जिसमें सड़कों पर पानी का छिड़काव और बच्चों को घरों में ही ऑनलाइन पढ़ाई करने समेत जनता को बिना काम के घर से बाहर ना निकलने संबंधी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बहरहाल सरकार इस मामले में तमाम कोशिशें करती नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रदूषण से बचने की कोई तरकीब काम नहीं आ रही और हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। हालांकि जिस प्रदूषण से बचकर लोग अब प्रकृति के करीब जाने के लिए भारी संख्या पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, उससे ही शांत पहाड़ों और वादियों में भी प्रदूषण बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जितनी गाड़ियों में लोग वहां पहुंचेंगे, उससे निकलने वाला धुआं अब पहाड़ी इलाकों की फिजाओं को भी जहरीला करेगा। तो फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में दिल्ली वासियों को प्रदूषण से जल्द राहत मिल पाती है या नहीं, या फिर आगे भी खुली हवा में सांस लेने के लिए दिल्ली वालों को इसी तरह पहाड़ों का रुख करने को मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी और इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।